हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ लोनावला की सबसे फेमस डेस्टिनेशन जिसका नाम है वेट एंड जॉय। और यहाँ मैं वाटर पार्क को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ के पार्किंग एरिया में, और ये पार्किंग एरिया काफ़ी स्पेशियस था। और यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पे करना होता है। तो इस पार्क की ये खासियत है ना, यहाँ पर आप दो तरह के पार्क्स को इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे थीम पार्क और वाटर पार्क, आप दोनों को साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन में एक पार्क को ही एक्सप्लोर कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकट बुक कर सकते हैं। इस बार मैंने ऑफलाइन टिकट बुक किया था। तो हम यहाँ पे जैसे ही इंटर किए, यहाँ पे आप दो तरह के लाइंस देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके साथ बैग है तो आपको दूसरे लाइन में जाना होगा, और अगर आप विदाउट बैग आए हैं तो आप डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं। और अगर आपके साथ बैग है तो आपको वहाँ पे पूरा प्रॉपर चेकिंग करवाना होता है यहाँ जाने से पहले। तो यहाँ पे अपने बैग की चेकिंग करवा कर हम आ गए हैं यहाँ पे मेन डोर पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट रूल रेगुलेशन लिखा है, यहाँ पे क्या ला सकते हैं और क्या नहीं लेके जा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे, आपको टिकट का काउंटर दिख जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेना है तो यहाँ पे एक अलग काउंटर रहता है, और अगर आप ऑफलाइन काउंटर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अलग लाइन होता है। तो हम गए थे इस बार ऑफलाइन टिकट लेने। तो अगर आपका बर्थडे होता है ना, तो यहाँ पर आप ग्रुप के साथ जाते हैं तो आपकी टिकट फ्री हो जाती है, अगर आप पहले से बुकिंग करते हैं तो। तो हमें यहाँ पे दो लोगों का टिकट का प्राइस लगा था 2600 समथिंग। तो यहाँ पे ना हमारे टिकट के साथ हमने बुफे भी लिया था, तो जिसमें आप अनलिमिटेड वेज क्यूजीन को इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइड्स को देख सकते हैं प्रॉपर मैप के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट का प्राइस दिया हुआ है, वीकडेज और वीकेंड्स दोनों तरह के आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हैं। और टैक्स वगैरह इंक्लूड करने के बाद इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी ना कि अगर आप वाटर पार्क का टिकट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एकदम अलग से काउंटर मिल जाएगा। और अगर आप एम्यूज़मेंट का भी टिकट लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको अलग काउंटर मिलेगा, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं। बिना टिकट के साथ ही साथ आपको बैंड भी मिलता है जिसको आपको अपने हाथ में लगाना होता है, और ये बैंड के थ्रू ही आप अपने अंदर डिफरेंट राइड्स को इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इस बार सिर्फ वाटर पार्क का ही टिकट लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी थीम पार्क जा चुकी हूँ। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लो, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आप बाहर की तरफ देख सकते हैं हॉरर हाउस भी अवेलेबल है, और ये ना इवनिंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्केरी लगता है जब आप इसको देखते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये है यहाँ का आउटसाइड व्यू, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए लोकेशंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना आप राइड के साथ साथ ब्यूटीफुल लोकेशंस को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लेफ़्ट साइड में अम्यूज़मेंट पार्क को इंजॉय कर सकते हैं, और राइट साइड में आप वाटर पार्क को इंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहें तो दोनों का टिकट एक साथ बुक कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको टायर्डनेस फील होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक दिन में आप एक पार्क को एंजॉय करो और अच्छे से उसको एक्सप्लोर करो।
तो अब हम जा रहे हैं वाटर पार्क के अंदर, और यहाँ पे ना आपको अपना टिकट शो करना होता है, और फिर अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे ना आप ड्रेस भी परचेस कर सकते हैं, अगर आप अपना कॉस्ट्यूम घर से नहीं लेके आए हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलता है। और अगर आप अपने घर से सामान और अपने ड्रेसेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम और एक लॉकर रूम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉकर रूम लिया जिसका 300 रुपीज़ प्राइस था, तो ये आपसे सिर्फ 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जब आप उनको उनका की रिटर्न करते हैं तो वो 100 रुपीज़ आपको वापस दे देते हैं। तो ये है मेरा लॉकर रूम, तो यहाँ पे आप शावर भी ले सकते हैं और ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने लॉकर में सामान रखने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे वाटर को एंजॉय करने, और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइडिंग वाले राइड्स को भी एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे ये वाटरफॉल को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे आप रेन डांस को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइडिंग राइड्स को भी इंजॉय करने, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ना यहाँ पे आपको क्यू में वेट नहीं करना पड़ रहा था। तो अब मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट स्लाइडिंग राइड को एंजॉय करने, और रियली यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो यहाँ पे स्लाइडिंग राइड को एंजॉय करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है वेव पूल, और ये रियली यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। Thank you.
यहाँ पे गेट बोल को इंजॉय करने के बाद हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म तंदूरी चाय भी अवेलेबल थी, और तंदूरी चाय का स्टार्टिंग प्राइस था 30 रुपीज ओनली। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने डिफरेंट राइड्स को इंजॉय करने, और यहाँ पे आप एक साथ 3 राइड्स को इंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्काई फॉल, एंड सेकेंड वन इज़ मैट रेसर, एंड थर्ड वन इज़ फ्री फॉल। तो यहाँ पे आप 3 राइड का मज़ा ले सकते हो, और रियली ये काफ़ी अमेजिंग है। ये राइड तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर यहाँ पे आप लाइन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सप्रेस टिकट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पे ये तीनों राइड को एंजॉय करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट राइड को एंजॉय करने। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने नेक्स्ट राइड को एंजॉय करने, और ये भी राइड काफ़ी अमेजिंग था जो आप बाहर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना वाटर स्लाइड्स की 2 लेन देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला है ना वो है नाइट वेयर। यहाँ पे आपको जाने के बाद काफ़ी डार्क लगेगा, तो इसमें ना आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और सबके हैप्पीनेस उनके फेस से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना मज़ा आता है।
यहाँ पे इतनी ज़्यादा अमेजिंग राइड को इंजॉय करने के बाद हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और हमारा हो गया था लंच का टाइम। तो अब हम जा रहे हैं अपने लंच को इंजॉय करने और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि हमें लंच में क्या क्या सर्व किया गया था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे ना फूड आपको अनलिमिटेड यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं और ये बुफे था और यहाँ पे हमने वेज फूड इंजॉय किया और रियली इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं था लेकिन ओके था। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिलीशियस फूड को इंजॉय करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट राइड को इंजॉय करने जिसका नाम है मास्टर ब्लास्टर राइड। और रियली सब राइड ना एक दूसरे से डिफरेंट थे तो इसमें भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर चढ़ना पड़ता है तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड राइड को इंजॉय कर सकते हो बट आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो ना कि आप वन टाइम इंजॉय करने के बाद एक ही राइड दोबारा इंजॉय नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस शॉप से आप इस तरह के टॉयज को विन भी कर सकते हैं यहाँ पे गेम खेलने के बाद। तो अगर मैं आई मैजिका के वाटर पार्क से कंपेयर करूं वेट एंजॉय का तो मुझे यहाँ का वाटर पार्क कम पसंद आया। तो अब मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट राइड को एंजॉय करने जिसका नाम है टोर्नाडो। और ये भी राइड काफ़ी मुझे अमेजिंग लगा और सारे राइड्स में ना कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा बट मुझे सबसे ज़्यादा जो राइड पसंद आया वो था टोर्नाडो। तो यहाँ पे आने के बाद ना आप इतना ज़्यादा इंजॉय करोगे ना कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो हमारा भी सारा दिन इतना जल्दी पार हो गया और हमें पता ही नहीं चला। तो अब मैं यहाँ पे इंजॉय करने के बाद नेक्स्ट लोकेशन पे आ गई जिसका नाम था एक्सट्रीम वोल्केनो और इसमें आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो वैसे तो यहाँ का इवनिंग व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा होता है बट आप दिन भर वाटर में रहते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो तो इसलिए मेरा सारा राइड हमने इंजॉय कर लिया था। और हम अपना राइड इंजॉय करने के बाद ये हमारा लास्ट राइड था जिसको हम इंजॉय करने जा रहे थे और यही हमारा सफ़र ख़त्म होता है। तो यहाँ पे वोल्केनो राइड एंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ के वॉशरूम में और ये भी काफ़ी क्लीन था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।